हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्लूमिंग बैट। मेरा ब्रेकफास्ट का काम ख़त्म हो चुका है, फिर से मैं किचन में आ गई हूँ। एक तरफ मैंने शकरकंद को मतलब चढ़ा दिया है भुनने के लिए तंदूर में, और एक तरफ मैंने आज मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी तो उसके लिए मैंने दूध को चढ़ा दिया है जिससे उसका मावा बन जाए, और एक तरफ मैं कांजू को भून रही हूँ नमक में, मतलब सॉल्टेड कांजू बना रही हूँ। घर में ही बनाती हूँ, बाज़ार वाले में ना थोड़ा सा ऑयल दिया हुआ रहता तो लोगों को घर में पसंद नहीं आता, बच्चों को भी, तो मैं घर में ही सिर्फ नमक में ही कांजू देके सेक लेती हूँ, बहुत अच्छा सिकता है। साइड में मेरी शकरकंद भी सिक रही है, परिधि को ये बहुत पसंद है, मतलब इसको इतना ज़्यादा पसंद है कि वही बोल बोल के मंगवाती है और उसी वही मुझको याद भी दिलाती रहेगी कि मम्मी सेक के मुझको दे दो। तो 11-12 बजे का टाइम है तो कोई फ्रूट नहीं खाएगी वो, तो ये यही खा लेगी, बोली है वो कि आज हम यही खाएंगे, तो उसके लिए सेक रही हूँ मैं। इधर कांजू भी मेरा भुन रहा है और हलवा के लिए मैंने मावा तो चढ़ा ही दिया है। अब मैं गाजर को कद्दूकस कर ले रही हूँ, मैं सुबह से इसको कर रही हूँ, कभी एक करती हूँ कभी दो करती हूँ, अब मैं थोड़ी फ्री हुई हूँ तब इसको पूरा कंप्लीट कद्दूकस कर लूँगी, और साइड में मावा भी बन रहा है। देखिए अभी ये कांजू भी सिक गया है, इसमें नमक भी आ जाता है क्योंकि हम लोग इसको नमक में सेकते हैं तो इसमें सॉल्टेड बन जाता है ये, इसको खाने में बहुत अच्छा लगता है। अब मैं गैस बंद करके छोड़ दूंगी और ये थोड़ा देर इसी में ही मैं रख के छोड़ दूंगी, जो थोड़ा बहुत और भी इसमें कलर नहीं आया है कांजू में वो भी आ जाएगा और एकदम लाइट गोल्डन ब्राउन बन जाएगा। और इधर मेरा मावा बन रहा है, टाइम लगता है थोड़ा थोड़ा इसलिए ये टाइम लेगा। ये शकरकंद भी मेरी होने वाली है, लगभग हो चुकी है, बस मैं इसको परिधि को दे दूँगी। देखिए कांजू का कितना अच्छा कलर आया है, बहुत ही सुंदर कलर आता है, कभी घर में आप लोग भी ट्राई करिएगा। अब मैं इसको पूरा नमक से बाहर निकाल के रख दूँगी, थोड़ी देर ठंडा हो जाएगा फिर मैं इसको बॉटल में डाल के छोड़ दूँगी। अब एक तरफ गाजर का हलवा बनाना है, उसके लिए पहले मैंने कढ़ाई में घी ले लिया था, उसको गर्म कर लिया। अब जितने भी गाजर को मैंने कद्दूकस किए थे उन सबको मैं एक बार निचोड़ लूँगी, मतलब अच्छे से निचोड़ लेंगे जिसका उसका एक्स्ट्रा जो भी पानी है वो बाहर निकल जाएगा और भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लेगा गाजर। अब मैं उसको थोड़ा सा कम आँच में भून लूँगी। शकरकंद होने में अभी थोड़ा टाइम और है तो साथ साथ में वो भी हो जाएगा थोड़ा देर में। और मैं पहले भी शेयर की थी कि जियो मार्ट में गई थी, वहाँ से मैं कुछ ग्रॉसरी का सामान लेकर आई थी, गए हुए तो काफ़ी दिन हो गया, बस इसको निकालने का टाइम नहीं हो पा रहा था, तो इसमें से निकाल निकाल के बच्चे भी अपना जो खाना है वो यूज़ कर रहे थे, तो जैसे चोकोपाई का मैं 3 डब्बा लाई थी तो देखिए इसमें से डिम्पल परिधि ने निकाल लिया है, एक बॉक्स खुला हुआ है। ये एक केस मतलब 2 लेने से 1 फ्री था। एक्टू का भी 2 पैकेट लाई थी, 1 पैकेट डिम्पल ने बना लिया है, माइक्रोवेव में बनने वाला था। मैगी का भी 2 पैकेट लेके आए थे, एक ये भी 8 पैक का फैमिली पैक था, यानी घी। और ये जो फॉक है ना ये भी ना एक के साथ एक फ्री था। और सूप लेकर आई हूँ, कुछ वेट वाइप्स हैं, सूप्स में भी वैरायटी है, ये फेस मास्क, जॉनसन्स का बट, टूथपिक, हाजमोला चीज़, काफ़ी सारे सामान थे ऐसे थोड़ा थोड़ा निकल रहा था। ऑडोनिल लेके आए थे बाथरूम के लिए, फ्रेशनर, बाथरूम फ्रेशनर है ये, इसमें 4 फ्लेवर था। और गार्नियर का मेरा फेस वॉश है और मैं जाऊँ और वो कुछ भी क्रॉकरी नहीं आए, ग्लासवेयर नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता, तो वहाँ पे मुझको ये ग्लास अच्छा लगा, थे काफ़ी सारे चीज़ थी लेकिन मुझको ये ग्लास बहुत पसंद आई तो ये मैं 2 बॉक्स ले ली थी। इसमें रेट शायद 199 या 1459 ऐसे कुछ था, बट ये 99 का एक बॉक्स मुझको पड़ा, मतलब 99 में 6 पीस है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा है और मतलब मजबूत ग्लास है, पानी उनी जूस के लिए अच्छा है ये। नेक्स्ट है ये मेरा वॉशिंग मशीन का लिक्विड सोप जो कि एरियल का है, मैं एरियल का ही यूज करती हूँ, मेरा फ्रंट लोड का है, IFB वॉशिंग मशीन है और ये मैं पूरा फैमिली पैक लेके आई हूँ, ये 2 लीटर का है और मेरे पास जो बॉटल्स हैं वो 1 लीटर के हैं और उसके उनका कॉस्ट है 250 रुपीज़ था, इसमें लिखा हुआ था, मैं अभी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, 250 रुपीज़ 1 लीटर का है। और ये मुझको 2 लीटर मिला है
रिफिल पैक 425 का है ना, सस्ते का सौदा। तो मैं ये ले आई और घर में बॉटल में भर ली। अब इधर में मेरा साइड में हलवा हो चुका है, थोड़ा सा मैं उसमें दूध डाल के उसको थोड़ा देर और भुनने के लिए छोड़ दी हूँ। पेरी पेरी मसाला भी लेकर आया था हम लोगों ने, इसमें 3 पैकेट है पेरी पेरी मसाला, फ्रेंच फ्राइज बना के उसमें ऊपर से डाल सकते हैं। और भी वाई वाई है और भी ऐसे ही चुटपुट सामान जो घर में यूज़ होते हैं, जो जो अच्छे लगे। बिस्किट उस्किट भी लाई थी, लेकिन सब बस यही है ना कि कुछ खुल गए हैं, कुछ पैकेट हो गए इधर उधर। और ये मेरी शकरकंद एकदम रेडी हो चुकी है, अब मैं परिधि को दे देती हूँ, बहुत देर से वेट कर रही है वो इसका। एग्जाम खत्म ना, आज इसका एग्जाम खत्म, अब छुट्टी छुट्टी। तो क्या चल रहा है इसका? लो तुम्हारे लिए ये, ठीक है, खुश जाओ खा लो। पीछे से बर्तन की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, क्योंकि जो मेरी हाउस हेल्पर है वो बर्तन साफ़ कर रही है। इधर मेरा हलवा हो चुका है, उसमें मैंने मावा भी डाल दिया है, बस इसमें लास्ट में मुझको थोड़ी चीनी डालनी है, अपने टेस्ट के अनुसार कम बेसी जो जैसे खाते हैं उस हिसाब से डालना है। और फिर इसको थोड़ी देर और भून लूँगी, क्योंकि चीनी का पानी छोड़ देगा। फिर लास्ट में हम जैसे इसमें इलायची नहीं देते हैं, जिसको पसंद है वो दे भी सकते हैं, और ड्राई फ्रूट्स दे देते हैं, और लास्ट में थोड़ा सा घी। बस मेरा हलवा रेडी है, और ये मेरा कांजू को उसको भी मैं बॉटल में डाल के रख लूँगी। मेरा गाजर का हलवा बनके रेडी है, बहुत ही टेस्टी बना था, सबको बहुत पसंद आया, आप लोग भी ट्राई करिएगा। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।